हमीरपुर जिला में कोरोना टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। इस अभियान को सुनियोजित एवं चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है। 15 मार्च से जिला हमीरपुर में पंचायत स्तर पर कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि कोविड टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए टीम गठित की गई है और अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा किया जा रहा है तो कोविड पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि टीकाकरण के लिए 15 मार्च से पंचायत स्तर पर पंजीकरण शुरू किया जाएगा। पंचायत कार्यालय में हर सप्ताह सोमवार और बुधवार को दोपहर 2 से 5 बजे तक पात्र लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 तक 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोगों के साथ साथ गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 से 59 साल तक के लोग भी टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण पंचायत स्तर पर करवा सकते हैं। पंजीकरण के बाद ये लोग नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर टीका लगवा सकते हैं। टीकाकरण के बाद भी मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी, हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी पात्र लोगों से अपना पंजीकरण करवाने तथा नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीके लगवाने की अपील की है, क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन का काफी जोर पकड़ लिया है। अभियान ने हमारे मेडिकल कॉलेज पर डेली सेशंस हो रहे हैं, उसमें फ्रंट केयर वर्कर्स लेफ्ट आउट जो रह गए थे उनके भी लग रहे थे टीके। हेल्थ केयर वर्कर्स की सेकेंड डोज भी शुरू हो गई है, रादर इन प्रोसेस है। और उसके साथ साथ अबव 60 जितने लोग हैं, जैसा कि गाइडलाइंस के हिसाब से, उनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। प्लस 45 से 59 ईयर्स तक जितने भी लोग हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, वो कोमॉर्बिडिटी वालों के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ये है, और मेडिकल कॉलेज में इसके साथ हर अल्टरनेट संडे को भी वैक्सीनेशन हो रही है। इसके बाद हम सी एच स्तर पर आ जाएं तो सी एच स्तर में भी हमारे दो दिन फिक्स कर दिए गए हैं वैक्सीन के लिए। इसमें हर मंगल और शुक्रवार को हम सीएच लेवल पर वैक्सीनेशन दे रहे हैं। पीएचसी में हमने एक दिन डिसाइड किया है, एवरी ट्यूसडे हमारे वहाँ वैक्सीनेशन होगी। तो हमारे हेल्थ सब सेंटर में हर वीरवार को, एवरी थर्सडे हमने इसका डिसाइड किया है, हर वीरवार को वैक्सीनेशन होगी। और अभी अभी उपायुक्त महोदय ने भी एक लेटर लेटेस्ट पास की है, और उससे हमारे गांव के लोगों को और भी कन्वीनियंट हो जाएगा, जो खुद अपने आप से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नहीं चला सकते हैं। तो हमारे पंचायतों में मैडम ने ये सुविधा उपलब्ध करवा दी है कि हर सोमवार को और बुधवार को 2 बजे से 5 बजे के बीच पंचायत में रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। तो जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो भी हमारे लोग हैं जो खुद रजिस्टर नहीं हो सकते हैं, जो खुद ऐप के साथ फैमिलियर नहीं है, तो अपनी अपनी रेस्पेक्टेड पंचायतों में जाके अपने आप को वहाँ रजिस्टर करवा लेंगे, और उसके बाद वो उनको वैक्सीनेशन स्लॉट मिल जाएगा और उस हिसाब से उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, पंचायती राज के सदस्य और अपने ईओ और पंचायत सचिव, ये सारे पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये ट्रेनिंग आज दी जा रही है और मोस्ट लाइकली 15 तारीख से ये हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और उसके लिए जहाँ भी हम वैक्सीनेशन कराएंगे, जो बेनिफिशरीज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे नागरिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे पीएचसी है, चाहे हेल्थ सब सेंटर है, उसके लिए 2 तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक तो है कि आप ऑन द स्पॉट रजिस्टर करा ले रहे हैं कि अपना आधार लेके जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आधार है, आधार लेके जाएंगे, आधार और वहाँ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। पर एक कोविन पोर्टल है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल, और उसमें ऐसा है कि कोविन पोर्टल पर जब रजिस्टर करने हैं बेनिफिशरीज को, तो उसके लिए या कोविन पर या आरोग्य सेतु, दो जगह पर आप अपने आप को खुद रजिस्टर करिए। वो बहुत सिंपल ऐप है, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। हमने जगह जगह उस ऐप को वर्क करने की, वो कैसे उसके ऊपर काम करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, हमने शेयर भी की है। और उस ऐप के थ्रू
प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही प्री रजिस्टर हो जाते हैं फिर हमारे यहाँ से हम उनको स्लॉट्स में दे देते हैं, जहाँ 10 बेनिफिशियरी हो गए, जहाँ 50 बेनिफिशियरी होगी, उस हिसाब से हम स्लॉट्स में उनको रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन साइट दे देते हैं। तो दो तरह से चल रहा है हमारा प्रोसेस।